अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। दो आरोपी गिरफ्तार, सोने की चार चेन सहित करीब 5 लाख रुपए का माल जब्त किया। मोती बंगला क्षेत्र में 25 जुलाई को वंदना पति राजकुमार गोयल निवासी फॉरेस्ट कॉलोनी देवास के गले से चेन स्निचिंग की वारदात की सूचना मिली थी। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली दीपक सिंह यादव तत्काल फोर्स के साथ रवाना होकर घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 392 भादवी का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवास व नगर पुलिस अधीक्षक देवास के निर्देशन में दो विशेष टीमों का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज, टोल नाकों एवं संस्थानों पर लगे लगभग 530 सीसीटीवी खंगाले एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेन स्नेचिंग करने वाले आरोपियों के द्वारा उपयोग की गई मोटरसाइकिल की पहचान की गई। टीम के द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान कर हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपीगण द्वारा देवास शहर में की गई चेन स्नेचिंग व उज्जैन शहर में की गई तीन स्नेचिंग की वारदात की घटना कारित करना स्वीकार किया है। उक्त बदमाश सुनसान इलाकों में पैदल घूमती महिलाओं का पीछा कर चेन स्नेचिंग की वारदात करते थे। पुलिस ने सोने की चार चेन वजन लगभग 58 ग्राम, घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल काले रंग की, एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल, कपड़े, काले रंग की बरसाती जूते आदि करीब 5 लाख का माल जब्त किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शशांक सक्सेना पिता उपेंद्र उर्फ उपदेश सक्सेना उम्र 30 साल निवासी बीएस क्लासिक स्वास्तिक सिटी मंगल नगर इंदौर तथा राजू पाल पिता बालमुकुंद पाल उम्र 33 साल निवासी आरबीआई 3 रेलवे क्रॉसिंग के पास गांधीनगर थाना पड़ाव जिला ग्वालियर हैं। यानी दिनांक 25 साल को एक मोती बंगला में घटना हुई जिसमें महिला जो कि इंदौर से ट्रैवल कर रही थी बस से और आने के बाद पैदल मोती बंगला क्षेत्र में गई तो आरोपी के द्वारा उस समय अज्ञात आरोपी दो थे, उनके द्वारा वारदात की गई जिनका करीबन 1 बजे का समय रहा होगा और उसमें चेन स्नेचिंग की घटना हुई। जैसा क्षेत्र हमारा आसपास बाईपास जुड़ा हुआ है, आरोपियों को बीमा अस्पताल से होते हुए और उज्जैन बाईपास और उसके बाद उनको एक्सेस करने का मौका मिला और वो इंदौर तक निकल सके। इस पर तत्काल ही थाना कोतवाली से थाना प्रभारी दीपक टाटा उनकी टीम सक्रिय हुई, साइबर सेल सक्रिय हुआ और उनने इस घटनाक्रम को देखना चालू किया। अथक प्रयास करने के बाद लगातार उस चीज को मॉनिटर करते गए और वो इंदौर शहर तक पहुंचे। इंदौर शहर जैसे डेस्टिफाई और उसके आसपास से मूवमेंट जब मिलना चालू हुआ इस तरीके से ये बदमाश खुलिया बदल लिए, जिस तरह बाईपास पर पहुंचते हैं वैसे अपना ये रेनकोट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हुलिया बदल लेते हैं, पुलिस के पॉइंट्स या कोई कम्युनिकेशन आगे होता है तो अपने आप को बचा सकें। लेकिन पुलिस भी पहली निगाह से बच नहीं पाए, लगातार जो आरक्षक इसमें लगे हुए थे उनके द्वारा सीसी कैमरे का बहुत ही गहन विश्लेषण किया जा रहा था और पहुंचते पहुंचते मंडेगिरी अरोड़ा क्षेत्र में भी पहुंचे, वहां पे जीरो ही बनी। कई बार ये समझ लीजिए 25 साल की घटना है और ऑलमोस्ट इसको पूरा 1.5 घंटे से ज्यादा समय लगा वापस को खोलने। इसी बीच में डेवलपमेंट ये होता है कि उज्जैन से भी खबर आती है कि वहां पर घटना क्या हुआ है, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई, जितनी हमारी सूचना थी उसको साझा किया गया, उस गुड़िया को साझा किया गया, वहां भी पुलिस है पूरा मामला और क्या है सब कुछ। एक बड़ा चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश किया है, यह कि 25-7 को एक घटना मोती बंगला क्षेत्र में हुई थी जिसको कि लगातार सीसी कैमरा की और ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से पकड़ा है। इसमें ये शातिर बदमाश शशांक सक्सेना और राजू पाल ये पकड़े गए हैं, पूर्व के आरोपी हैं, कई बार इनने भोपाल और अन्य जिलों में भी वारदात की है और इनसे करीबन 4 चेन स्नैचिंग का मशूका भी बरामद किया है। किस तरह वारदात को अंजाम देते थे? वारदात को अंजाम ये जिस क्षेत्र थाना क्षेत्र में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं वहाँ पर वारदात ना करके और दीगर आसपास के जिलों में जाते हैं, ऐसा अभी तक पूछताछ से पता चला है, और वारदात करके ये अपना
आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने कपड़े भी रास्ते में ही बदल लेते हैं और जाके वहाँ पे छुप जाते हैं। पूर्व में इनके द्वारा वारदात है, इसकी मैंने अपना रिकॉर्ड आपको खास बात कही कि सीसीटीवी कैमरे खास मदद कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमको उनसे काफ़ी बड़ी सफलता मिली है और लगातार साइबर सेल की और थाना कोतवाली की जितनी टीम है उसमें लगी रही और फाइनली इसको पड़ता बड़ी जितने सीसीटीवी कैमरे लगे इसमें तकरीबन 530 कैमरे अभी तक काउंट किए हैं, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि इससे कहीं ज़्यादा कैमरे पुलिस के द्वारा देखे। सर, बड़ी सफल कार्रवाई है, टीम को किस तरह का रिवॉर्ड दिया जाएगा? इसमें वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा इसमें पारितोषिक इनको दिया जाएगा।